हेलो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि 70 से 75% भूसा में नमी होने के बाद आपको इसमें बिजाई कैसे करनी है। बिजाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो 18x22 का पॉलीबैग लेना होगा। पॉलीबैग को आप देख पाएंगे ये साइज का होगा, और इस पॉलीबैग को लेने के बाद आप इसमें इस भूसे में ये 4 इंच भूसा डालने के बाद में मशरूम का बीज डालें। आपको दिखा दें कि बीज इस प्रकार से होगा। या आप ऑयस्टर मशरूम के बीज देख सकते हैं, इस प्रकार से बीज आएंगे। तो दोस्तों, 4 इंच भूसा डालने के बाद आप उसे इस तरीके से कैसे बना लीजिएगा, जैसे हमने इस पॉलीबैग में भूसा और मशरूम के बीज डाले हुए हैं, तो आप देख सकेंगे कि हमने इसमें 4 इंच के दायरे में भूसा भरा है, फिर ऑयस्टर मशरूम का बीज पॉलीबैग के चारों ओर बीज डाला है। और बीज डालने के बाद में हमने इस पॉलीबैग को इस तरह से बांध दिया है। बांधने के बाद हम लोगों ने इसको लेदर पंच की सहायता से इसमें 4 इंच की दूरी में इसमें छेद कर दिए हैं, ताकि इसे एयर मिल सके और यहां से मशरूम निकल सके। मशरूम निकलने के बाद आप बंद कमरे में ले जाकर इस सुतली की सहायता से सुतली में आप इसे लटका देंगे। एक एक पॉलीबैग करके आप इस सुतली में लटका देंगे उन पॉलीबैग्स को। तो दोस्तों, हमने इस सुतली में जिस प्रकार से लटकाया है वो आप लोगों को दिखाता हूं। आप इस तरीके से सुतली की सहायता से मशरूम के पॉलीबैग्स को लेदर पंच की सहायता से आप लटका सकते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें आप देख पाएंगे कि 5 से 6 दिन पहले इन पॉलीबैग में हम लोगों ने बीज डालकर इसे लटकाया है, और आप देख सकेंगे कि यहाँ पर हल्का हल्का मशरूम के बीज से कवक जाल लगने स्टार्ट हो चुके हैं। और 12 से 15 दिन के बीच में हम लोगों ने जिन पॉलीबैग में बीज डाला है, आप उन पॉलीबैग में देख सकेंगे कि उनमें कवक जाल फैलना चालू हो चुका है। आप इन पॉलीबैग्स में अच्छे से देख पाएंगे तो पूरे पॉलीबैग में कवक जाल पूरे फैलने स्टार्ट हो चुके हैं। और जहां पर हम लोगों ने हॉल किया है, आप उसे देखेंगे तो वहां से 25 दिन के अंतराल में 25 से 30 दिन के अंतराल में मशरूम निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको और भी जानकारी देने वाला हूं, तो बने रहिए।